तो हिसार, करनाल और अंबाला की तरह अब बात कर लेते हैं सोनीपत की। यहां पर भी बॉन्ड पॉलिसी का विरोध हो रहा है और इसकी वजह से सोनीपत में आईएमए से जुड़े डॉक्टर्स ने ओपीडी को बंद रखा है। आईएमए के अध्यक्ष ने बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किया। इस दौरान कई डॉक्टर्स ने सरकार से बॉन्ड पॉलिसी को वापस लेने की मांग की। कहा जा रहा है कि पॉलिसी के तहत 40 लाख रुपए गरीब परिवारों के बच्चे नहीं भर पाएंगे। ऐसे में सरकार इस पॉलिसी को वापस ले। डॉक्टरों की मांग है कि सरकार जल्द पॉलिसी वापस ले, क्योंकि एमबीबीएस के छात्र प्रदर्शन की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी क्लासेस को छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ मरीज जो परेशान हो रहे हैं वो तो एक अलग पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है ही। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर स्टूडेंट्स के माध्यम से किया जा रहा विरोध अब तेज होता जा रहा है और आप ये सोनीपत में तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ विभिन्न आईएमए से जुड़े हुए सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टरों ने भी अब स्टूडेंट्स का साथ देने का ऐलान कर दिया है। यहाँ आईएमए सोनीपत जिला के अध्यक्ष है, उनसे भी बात कर लेते हैं एक बार। क्या नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर परमजीत दहिया, प्रेसिडेंट आईएमए सोनीपत। जिस तरह से बॉन्ड पॉलिसी का में आपने भी अब स्टूडेंट्स का साथ देने का निर्णय लिया है, क्या बोलना चाहते हो? सबसे पहले हमने बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में कल हमारी सांकेतिक पेन डाउन हड़ताल थी। आज हमने ओपीडी अपनी बंद रखी है। उन ओपीडी सारे आईएमए से जुड़े हुए डॉक्टरों ने बंद रखी है, पर इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखी है। इस बॉन्ड पॉलिसी में हम छात्रों के साथ है, क्योंकि जो 40 लाख रुपए का बॉन्ड लेके आई है गवर्नमेंट एडमिशन के टाइम पे, वो हर स्टूडेंट की हैसियत नहीं है। पेरेंट्स के लिए बहुत एक कठिन मुद्दा है 40 लाख रुपए। हमारी लड़ाई हमारे अपने तक सीमित नहीं है। हम तो बॉन्ड पॉलिसी से बाहर है, हम तो पास हो चुके हैं, हमको 40-40 साल प्रैक्टिस करते हो गए हैं। पर जो आने वाला फ्यूचर है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, वो एकदम सरकार गिराने जा रही है और कॉरपोरेट घरों को बढ़ावा देने जा रही है। क्या नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर मंजू आ रहा हूँ और एनेस्थेटिस्ट हूँ सोनीपत से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से हर बच्चे को ये कहती थी कि डॉक्टर बनने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, आप अपनी मेहनत पर ही डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन आज जो सरकार ने 40 लाख की पॉलिसी बच्चों पे थोप दी है, उससे तो सिर्फ यही है कि जो आम परिवार है उसका कोई भी बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। और यदि मैं ऐसा सोचती हूँ कि यदि ये पॉलिसी मेरे टाइम पे होती तो शायद आज मैं डॉक्टर नहीं बनी होती। क्या बोलना चाहते हो, सरकार से क्या मांग रख रहे हो? मैं सरकार से, हम लोग यही मांग करते हैं कि सरकार गरीब का विरोधी ना बने, गरीब बच्चों का ध्यान रखे और गरीब बच्चे भी, गरीब परिवार के बच्चे भी डॉक्टर बन पाए, उस हिसाब से बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करना चाहिए। और नौकरी की जहां तक बात है, नौकरी अगर सरकार देगी तो जरूर जाएंगे बच्चे, जरूर जाएंगे, क्योंकि हर बच्चों को, हर डॉक्टर को नौकरी की जरूरत होती है। जिस तरह से बताया है कि सरकार इस तरह का कदम ना उठाए और बॉन्ड पॉलिसी को लेकर और सरकार और स्टूडेंट्स की जो वार्ता चल रही है उसे जरूर सफल बनाना चाहिए और राहत जरूर स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। राजेश खत्री, जी मीडिया।